हेलो फ्रेंड्स, आज की शीट में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्या इस पे कोइन की आने वाले समय में इसकी क्या कुछ प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाली है, और क्या हमको अभी इसको बाय करके रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको बाय करके रखा है, क्या अभी इसको वे सेल आउट करें या इसको होल्ड करके रखें। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, सर मैंने इसको 6 रुपये 7 रुपये के आसपास इसको बाय किया है, क्या अभी इसको होल्ड करके रखें या इसको सेल आउट कर दे। तो सिंपली जिन लोगों ने इसको अभी 7 रुपये 8 रुपये के आसपास इसको बाई किया, सिंपली वे भी काफ़ी लॉस में चल रहे, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास वे लॉस में चल रहे। तो सिंपली वे इस वीडियो को कंप्लीट देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो वाला सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर हम बात करते हैं जो कि ओएसपी कॉइन का जो फिलहाल करंट प्राइस चल रहा है, चला है 4 रुपये 30 पैसे। अगर बात करते हैं इसके वन डे के लोएस्ट प्राइस तो है 3 रुपये 88 पैसे। तो सिंपली हम इसके 1 ईयर के प्राइस चार्ट पे जाएंगे। अगर बात करते हैं कि ओएसपी कॉइन की, तो 1 ईयर का सबसे हाईस्ट प्राइस है वो 10 रुपये। बात करते हैं इसके 1 ईयर के सबसे लोएस्ट प्राइस तो है 1 रुपये 77 पैसे। तो सिंपली दोस्तों आप इसको बात करते हैं, जो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था क्या उस पी कोइन ने, वो लगाया था अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद दोस्तों सिंपली इसमें हमें काफ़ी डिटेक्शन देखने को मिला। जो सेकंड पंपिंग हमको इसमें देखने को मिली थी, वो देखने को मिली थी मई 2021 में। मई 2021 में दोस्तों इनक्रीज काफ़ी ज़्यादा डिटेक्शन लगाने के बाद जो इसमें थर्ड पंपिंग हमको देखने को मिली थी, वो देखने को मिली थी अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिटेक्शन देखने को मिली, और जो फोर्थ जो पंपिंग हमको देखने को मिली, वो देखने को मिली जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में काफ़ी ज़्यादा पंपिंग आने के बाद दोस्तों जो फिलहाल जो इसमें जो डिडक्शन हमको देखने को मिली, वो देखने को मिली रशियन और यूक्रेन की जो आपसी टकराव जैसी स्थिति बनी हुई दोस्तों, उसके कारण क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन हमको देखने को मिल रही है। अब सिंपली फंडा ये उठता है कि क्या हमको अभी सेल आउट कर देना चाहिए या इसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो सिंपली जिन लोगों ने इसको 7 रुपये से 8 रुपये के आसपास इसको बाय करके रखा है, सिंपली वे इसको होल्ड करके रखें, पैनिक होकर सेल आउट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के लिए हमको डिडक्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही वहाँ से कोई भी गुड न्यूज निकल के आती है, तो क्रिप्टो मार्केट में अच्छी खासी पंपिंग हमको देखने को मिल सकती है। जो इसका नेक्स्ट प्राइस टारगेट रहने वाला है क्या उस पी कॉइन का दोस्तों, वो देखने को मिलेगा हमको अप्रैल 2022 में, जो रहने वाला है 10 रुपये 50 पैसे। तो सिंपली दोस्तों आप इसको 1 मंथ के आसपास इसको होल्ड कर करके पैनिक होकर सेल आउट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी मार्केट रैंक में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग हमको देखने को मिली है। और हम बात करते हैं वट इज क्या दोस्तों, क्या एच पी लीजिए लीडिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर दैट एड्स इन एक्सपर्ट सिक्योरिटी ऑडिट एंड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन। इट इज ट्रस्टेड बाय द सम ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी एंड इंटरप्राइजेस टू सिक्योर देयर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। तो इसका बिजनेस मॉडल दोस्तों काफ़ी अच्छा, और आने वाले समय में इसमें अच्छी खासी पंपिंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन क्रिप्टो वाला सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।